हेलो फ्रेंड्स, पिछले टास्क में हमने एक फंक्शन बनाया था स्क्रैप टॉप लिस्ट, जिसका काम ये था कि जो हमारी आईएमडीबी वेबसाइट है उसमें से जो टॉप 250 इंडियन मूवीज़ हैं उनकी पोजीशन, नेम, ईयर, रेटिंग और यूआरएल हमें ला कर देना। अब हम जो मतलब स्क्रैप टॉप लिस्ट जो वैल्यूज़ रिटर्न करेगा उस पर उसकी मदद से हम मूवीज़ को ग्रुप बाय ईयर करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ ग्रुप बाय ईयर, और इसका जो पैरामीटर होगा वो होगा मूवीज़, और ये मूवीज़ होगी हमारी डिक्शनरीज की लिस्ट जो कि हमारा स्क्रैप टॉप लिस्ट फंक्शन देगा। तो मैंने स्क्रैप टॉप लिस्ट की वैल्यू एक स्क्रैप नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया है, जो कि मैं बाद में यूज़ करूँगा फंक्शन को कॉल करने के लिए। मतलब जब फंक्शन कॉल करूँगा तो उसे एक एज अ आर्ग्यूमेंट पास कराऊँगा। तो मैंने इसका कोड पहले से ही लिखा हुआ है, तो देखते हैं। सबसे पहले इतना कोड कॉपी करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने एक ईयर्स नाम की खाली लिस्ट बनाई, और फिर जो मेरी मूवीज़ है, मूवीज़ जो लिस्ट है मूवीज़ की, मतलब लिस्ट है डिक्शनरीज़ की जिनमें मूवीज़ का डेटा स्टोर है, तो उसमें से हमने जो ईयर ऑफ रिलीज़ है, जो ईयर है उसकी वैल्यू हमने एक ईयर नाम के वेरिएबल में स्टोर करा ली है। इफ़ ईयर नॉट इन ईयर्स, ईयर्स जो हमारी लिस्ट में अगर ईयर नहीं है तो ईयर्स डॉट अपेंड ईयर हो जाएगा, मतलब इसमें सिर्फ हमारे यूनिक ईयर्स जा सकते हैं, यूनिक ईयर्स अपेंड होंगे। तो जो हमारी लिस्ट होगी ईयर्स, जब ये लुक ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास जो लिस्ट होगी ईयर्स उसमें सिर्फ यूनिक ईयर्स होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर मैं एक मूवी की डिक्शनरी बना रहा हूँ जिसमें एक फॉर लूप चलाया है मैंने, मतलब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की यूज़ करा है, तो एक फॉर लूप चलाया मैंने ईयर्स वाली जो हमारी लिस्ट है उस पर। तो फॉर आई इन ईयर्स, दो जो हमारा आई होगा वो एक ईयर होगा, तो वो डिक्शनरी की बनेगा, और फिर जो वैल्यू होगी वो एक खाली लिस्ट होगी। तो ऐसे हमारे पास जितने भी यूनिक ईयर्स होंगे उतने की वो बन उतने का ऐसे ही फॉर्मेट में वो बन जाएगा। यहाँ पर ईयर होगा और यहाँ पर खाली डिक्शनरी खाली लिस्ट होगी। ठीक है, तो मूवी डिक्ट हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है डिक्शनरी का। तो अब यहाँ तक देखते हैं, एक मिनट, यहाँ तक देखते हैं। फिर से जो मेरी मूवीज़ वाली लिस्ट है उस पर मैंने लूप चलाया है। जो मेरा नेम है वो है आई, तो नेम अभी रहने देते हैं। ठीक है, जो हमारी ईयर की जो वैल्यू है वो मैंने एक वेरिएबल है ईयर उसमें स्टोर करा ली है, और फिर मैंने उस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप चलाया है फॉर एक्स इन मूवी डिक्ट। तो जो हम फॉर एक्स इन मूवी डिक्ट है, तो जितने भी हमारे यूनिक ईयर्स हैं वो मतलब एक्स में आएंगे उनकी वैल्यूज़ जब लूप आइटरेट होगा, और हम चेक कराएंगे इफ़ स्ट्रिंग एक्स इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग ईयर, मतलब जब हमारा जो मूवीज़ में मतलब आई का जो ईयर है वो अगर हमारा लिस्ट के ईयर से मैच कर रहा है, मतलब दोनों बराबर हैं, तो हमारे जो मूवी डिक्ट
के एक्स है वो जो लिस्ट है उसमें एक वैल्यू अपेंड हो जाए नेम, पर अभी हम नेम अपेंड नहीं करेंगे, अभी हम वो डिक्शनरी अपेंड कर देंगे। एक डिक्शनरी, तो यहाँ पे डिक्शनरी अपेंड हो जाएगी। तो अगर अब मैं वैल्यूज रिटर्न करूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब मुझे फंक्शन कॉल करना है, ग्रुप बाय ईयर, स्क्रैप्ड, और इसे मैं कर देता हूँ प्रिंट। हमारा फॉर्मेट होगा वो होगी एक डिक्शनरी। अच्छा देखते हैं, कुछ एरर आ गया है, हमारा टाइप एरर है, लिस्ट इंडिसेस मस्ट बी इंटीजर्स नॉट डिक्शनरी, लाइन 69 पे। ठीक है, तो हम देखते हैं लाइन 69। यहाँ पे हमने गलती कर दी, हम यहाँ पे पूरी डिक्शनरी अपेंड कराएंगे तो हमें आई अपेंड कराना पड़ेगा, क्योंकि आई हमारा जब लूप चलेगा तो आई हमारी डिक्शनरी होगी। अब सही चलना चाहिए, देखते हैं हमारे आउटपुट से हम क्या समझ पाते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं 1955 में जो मूवीज़ रिलीज़ हुई थी उसकी एक लिस्ट बन चुकी है, फिर 1959 भी देख सकते हैं, 1957 भी देख सकते हैं। तो हमारी जो मूवीज़ हैं वो ईयर के अकॉर्डिंग ग्रुप हो गई हैं, यानी जिस ईयर में, मतलब जैसे 2002 में जितनी भी मूवीज़ बनी थी वो एक लिस्ट के अंदर आ चुकी हैं। तो हमारा टास्क 2 ख़त्म हो गया है।